दोस्तों आप ये एक साइड जो देख रहे हैं ये है MI का वायरलेस पावर बैंक, जिसका कैपेसिटी आपको दोस्तों 10,000 mAh का देखने को मिलता है। और दोस्तों एक साइड ये एम्ब्रेन 10,000 mAh का वायरलेस पावर बैंक है। और दोस्तों आज मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उससे पहले मेरा नाम है हर्ष प्रजापति और आप देख रहे हैं ऑलराउंडर फ्लैश चैनल। दोस्तों टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम MI की वायरलेस पावर बैंक की बात करें तो दोस्तों आपको साइज में कुछ इतना बड़ा देखने को मिलता है और यहाँ के सेंटर में दोस्तों आपको ये वायरलेस चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ सारी बटन और ये जो LED है जो चार्जिंग डिनोट करती हैं और टाइप सी और ये टाइप ए पोर्ट देखने को मिलता है और पीछे की तरफ एक Xiaomi का लोगो देखने को मिलता है। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह दी गई हैं जो दिखाई तो नहीं दे रहा अच्छे से, ये आपको मिलता है। और दोस्तों अगर हम एम्ब्रेन पावर बैंक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सर्कल में यहाँ पे ये वायरलेस चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक स्टैंड भी देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं इस तरह आप इसको खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको मेगा सिप पावर बैंक देखने को मिलता है, जिसमें कि आप इसको अपने आईफोन को चिपकाकर चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे भी आपको 10 वॉट की आउटपुट देखने को मिलती है। और दोस्तों यहाँ पे Xiaomi में भी आपको 10 वॉट की आउटपुट देखने को मिलती है। और दोस्तों यहाँ पे पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एक बटन और इसके दोस्तों साइड में आपको LED देखने को मिलती है जो कि चार्जिंग को डिनोट करेगी। और यहाँ पे एक टाइप सी और यहाँ पे टाइप ए पोर्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इसके पीछे की बात करें तो यहाँ पे भी आपको पीछे एम्ब्रेन की लोगो देखने को मिलती है। दोस्तों अगर हम इन दोनों पावर बैंक की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों इसमें से मुझे MI की जो बिल्ड क्वालिटी है ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये काफ़ी ज़्यादा इसके कंपेयर में अच्छी लगी। अगर दोस्तों इन दोनों के वेट की हम बात करें तो दोस्तों लगभग दोनों वेट में इक्वल ही आपको देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों हम इन दोनों की हाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है एम्ब्रेन का पावर बैंक और यहाँ पे है Xiaomi का MI पावर बैंक। आप दोस्तों देख सकते हैं इसमें MI का ये जो पावर बैंक है ये एम्ब्रेन के कंपेयर में बड़ा देखने को मिलता है। और दोस्तों हम इसकी थिकनेस की बात करें तो आपको थिकनेस में एवरेज दोनों सेम देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम दोनों के चार्जिंग टाइम की बात करें तो दोस्तों चार्ज दोनों काफ़ी फास्ट होते हैं, बट दोस्तों इसमें आपको हीटिंग इशू ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो अगर हम इन दोनों की चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो दोस्तों आपको इसमें भी 10 वॉट प्लस इसमें भी 10 वॉट की वायरलेस आउटपुट चार्जिंग देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर हम इन दोनों की डेली लाइफ यूज की बात करें तो दोस्तों ये जो एम्ब्रेन का पावर बैंक है इसमें काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इशू देखने को मिलता है। और दोस्तों वही दूसरी तरफ ये जो MI का पावर बैंक है दोस्तों इसमें आपको हीटिंग इशू देखने को कम मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करें अगर एक फ़ोन को चार्ज करने की तो दोस्तों एम्ब्रेन पावर बैंक के कंपेयर में ये जो MI का पावर बैंक है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस करता है। यहाँ पे दोनों में आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम एम्ब्रेन पावर बैंक की बात करें तो दोस्तों आप अगर इसमें केबल का यूज करते हैं चार्जिंग के लिए तो दोस्तों आपको इसमें हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है, प्लस ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करता है। जहाँ पर आप वायरलेसली किसी फ़ोन को चार्ज करते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको हीटिंग इशू देखने को मिलता है। और दोस्तों यहीं पे हम MI की पावर बैंक की बात करें तो इसमें दोस्तों आप चाहे वायरलेस फ़ोन चार्ज करिए चाहे आप दोस्तों केबल के साथ चार्ज करिए काफ़ी ज़्यादा इस दोनों में रिस्पॉन्स करता है। दोस्तों इसमें हीटिंग इशू आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है, ये पकड़ने में भी काफ़ी सही है, लेकिन दोस्तों इसमें बस एक कमी देखने को मिलती है जो कि यहाँ पर दोस्तों आपको मैग्नेटिक सेफ्टी देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पर ये मैग्नेटिक सेफ्टी आपको देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम दोनों के प्राइस पॉइंट की बात करें तो आपको दोस्तों ये 2400 से 2500 तक देखने को मिल सकता है अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे। और दोस्तों हम एम्ब्रेन पावर बैंक की बात करें तो ये दोस्तों आपको लगभग 1800 से लेकर 2000 तक के बीच में मिल सकता है। दोस्तों अगर हम इसकी प्राइस पॉइंट से रिलेट करें तो दोस्तों आपको इसमें एम्ब्रेन का पावर बैंक भी अपनी जगह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करता है। और दोस्तों ये लगभग 500-600 महंगा होने के कारण ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करता है अपनी जगह। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।